सोने की चिड़िया बने। एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि लगातार परंपरागत तो निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है वो पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। यूजीसी हस्तक्षेप कर रहा है उस शिक्षा विभाग, कभी किसी विभाग नहीं है किसी शिक्षा का। हम अपने रब ने एक नया कानून बना रहे जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की बिजली दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में, उससे मान्यता लेना पड़ेगी, उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो मर्जी दे रहे हैं उच्च शिक्षा से लेकर चर्चा, उच्च शिक्षा से लेकर चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से जो इस तरह से हमने चर्चा की है। लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICR के जो नियम है उसके अनुसार तो ये क्या इन छात्रों का प्रदर्शन अब रुकेगा, क्योंकि वो तो मान पड़े हुए हैं उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री ले रहे हैं, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए उसके लिए, और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसानों को बहुत नुकसान हुआ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, और जो क्षति हुई उसका आकलन रिपोर्ट भेजे तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति।